अब हम बात करेंगे प्रॉप्स की, बेसिकली जो रेफर करता है एट्रीब्यूट्स को किसी भी कंपोनेंट के। वो कंपोनेंट या तो क्लास बेस्ड हो सकता है या तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। अब कैसे उनको डिफाइन हम करते हैं, क्या कहाँ पे डिफाइन करते हैं और कहाँ कैसे उनको एक्सेस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डेमो में देखेंगे। बेसिकली प्रॉप्स का जो मीनिंग है वो है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को हम रेफर करते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। अब प्रॉप्स क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि रिएक्ट वर्ल्ड में जो इसका नेमिंग कन्वेंशन चलता है और कैसे किसी और डेवलपर को पता चले कि ये आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से आए, इसीलिए हम यूज़ करेंगे प्रॉप्स ही, ठीक है। और सिंस हम अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इसीलिए हम देखेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट्स में कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं, उनको एक्सेस कैसे करते हैं। हम अगर बात करें एक्सेस करने की, तो उनको हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स डॉट वो एट्रीब्यूट का नाम, और क्लास बेस्ड में कैसे करते थे, दिस डॉट एट्रीब्यूट नेम। दिस को जब भी हम दिस की बात करें तो वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। अब इसका डेमो देखते हैं। अब जो हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया था, अब इसको हम चेंज करेंगे किस में, एक फंक्शनल कंपोनेंट में, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो हम सीख चुके हैं, आगे फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। और एक्सटेंड्स डॉट कंपोनेंट को हटा देंगे, क्योंकि अब हम एक्सटेंड नहीं करते हैं इसमें कंपोनेंट को, और इसकी भी यूज़ ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इसको भी हटा देंगे, रेंडर मेथड को हटा देंगे, ये पैरेंथेसिस हटा देंगे, ठीक है। अब इसको सेव कर देंगे, देखते हैं चेंजेस आ गई क्या। चेंजेस आ गई है हमारे इस फाइल में, देखिए इसका कितना यूज़ हो रहा है। ये चीज़ को हम बंद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कोड है वो कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। बस हमें सेव करना है, इस चीज़ को आप कभी भी बंद नहीं करेंगे, इसको पीछे बैकग्राउंड में चलने देंगे, ठीक है। अब कैसे उनको डिफाइन करते हैं हम प्रॉप्स को, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेम इक्वल टू जो भी हमारी एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रॉय डाल दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और बार लिखूँगा नेम इक्वल टू KUN, ठीक है। और फिर फाइनली जो थर्ड कंपोनेंट है हमारा, उसको हम लिखेंगे VIV, ठीक है। इनको सेव कर देंगे, देखो कितना ज़रूरी है, अब कितना इजी हो जाता है हमें एक कंपोनेंट को रीयूज़ करना, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने r.js फाइल में, वहाँ पे हमें क्या यूज़ करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं प्रॉप्स के बजाय, मगर दूसरे डेवलपर अगर हमारा कभी कोड देखे तो वो इजीली रेफर कर सकता है कि ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आए हैं कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है। अब उनको एक्सेस कैसे करके, प्रॉप्स डॉट नेम की हेल्प से, ठीक है। और ये मार्क्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी लगा सकते हैं, और सिंस अगर अब आपको फ्लोटिंग वैल्यूज़ नहीं चाहिए तो हम इसको आप फ्लोर वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। तो इसको सेव कर देंगे, अब देखेंगे क्या चेंजेस आ गई है, चेंजेस आ गई है, ठीक है। रॉय स्कोर दिस मच मार्क्स, कुन स्कोर दिस मच मार्क्स, एंड वेव स्कोर दिस मच मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे अगर स्पेसिंग का इशू था, ये सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई प्रॉप्स की, ठीक है। अब अगर कभी किसी प्रॉप्स में हमें चाइल्ड डालना हो या इनके बीच में कोई वैल्यू डालनी होती है तो कैसे डालेंगे, ठीक है। देखिए रॉय को अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा टॉप स्कोरर था, ठीक है, तो टॉप स्कोरर लिख दें यहाँ पे, ठीक है। इसको इस कंपोनेंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट, इसको सेव कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हम लिख देंगे, अब अगर आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते थे। अब अगर मैं पैराग्राफ जो कि हमारा ब्लॉक लेवल है, या इनलाइन भी आप यूज़ कर सकते थे, तो हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे पैराग्राफ टैग बनाएंगे एक, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन जो कि कीवर्ड है, चिल्ड्रन को यूज करेंगे, और अपना पैराग्राफ टैग बंद कर देंगे, ठीक है। उसको सेव कर देंगे, हमारी चेंजेस आ गई, रॉय जो है वो टॉप स्कोरर है। अब आप देखेंगे इसको अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे,
तो हम देखेंगे कि इन दो ये दो जो कंपोनेंट्स हैं इनके लिए भी ये वैल्यू होती मगर वो नल है। इनके लिए भी पैराग्राफ टैग सेट हुआ होगा लेकिन वो नल होगा। देखिए ये देखिए इसका पैराग्राफ टैग टॉप स्कोरर, लेकिन इन दो डेव्स का जो है वो भी पैराग्राफ टैग है लेकिन नल वैल्यू है। ठीक है, नल वैल्यू सेट हुई है। इसीलिए अगर हम कभी ऐसे यूज़ करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कभी ऐसा लिखते कि ये टॉप स्कोरर है इन मैथ्स के, ये मैथमेटिक्स में टॉप स्कोरर है, ठीक है, अगर हम ये लिखते इसके साथ, तो बाकियों के लिए भी ये आ जाता लेकिन उनकी वैल्यू नल हो ही होती। सेव नहीं किया मैंने इसको, उसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया इसको, अब देख लीजिए इसमें भी मैथ्स आ गया, इसमें भी मैथ्स आ गया, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो नल थी। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉप्स। ठीक है,